हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग केंद्रीय विद्यालय के सामने खड़े हैं और यहाँ आज नीट यूजी का एग्ज़ाम है। तो बच्चे लोग अभी अंदर में एग्ज़ाम दे रहे हैं। अभी लगभग 4 बजा है, तो 5:30 का हम वेट करते हैं। उस समय सारे बच्चे आएंगे और हम आपको बताएंगे कि बच्चे लोगों का पेपर का क्या रिएक्शन है, यानी पेपर उन लोगों का कैसा गया है। तो हम थोड़ी देर में आपको सारा हाल बताते हैं। तो अब 5:20 हो चुका है और बच्चे लोग अभी निकलने वाले हैं। आप देख सकते हैं कितना भीड़ यहाँ पर है। बच्चे लोग अभी 10 मिनट के अंदर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे और तब आपको बताते हैं कि रिएक्शन कैसा होने वाला है। सबसे पहले ये बताइए कि जो नीट का पेपर हुआ है उसका लेवल कैसा था? लेवल बायो का तो सबसे थोड़ा हार्ड था, फिजिक्स का इस बार सबसे इजी था, क्योंकि न्यूमेरिकल्स फिजिक्स में बहुत कम ही दिया था, ज़्यादा बेसिक कॉन्सेप्ट से ही दिया था, न्यूमेरिकल्स फिजिक्स में कम था। सबसे टफ केमिस्ट्री था और बायो में था, मतलब पूरे से था। इस बार एसर्शन रीजन वाला क्वेश्चन भी डाल दिया था, तो वो सब इजी कर दिया था इस बार। तो इस बार बायो का मतलब पिछले बार से थोड़ा इजी था, लेकिन फिजिक्स सबसे इजी था। चलिए, एसर्शन रीजन का हम जानते हैं, थोड़ा दिमाग को घुमा देता है, चलिए कोई बात नहीं। एनसीईआरटी से ज़्यादातर क्वेश्चन था बायोलॉजी में? बायो में, फिजिक्स में भी एनसीईआरटी से ही था, बायो में भी एनसीईआरटी से ही था। तो टफ अगर बात करें तो थोड़ा केमिस्ट्री था, थोड़ा केमिस्ट्री टफ था फिजिक्स। चलिए कोई बात नहीं है। कौन सा अटेम्प्ट है आपका नीट का? चलिए बहुत अच्छा। तो कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस बार 720 में कितना आ जाना चाहिए? 600+ नहीं आ पाएगा, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट ही और सही से पढ़ भी नहीं आ पाए थे, पर 500+ आ जाएगा। 500 आ जाएगा ना, यही बहुत अच्छा है। सेकंड अटेम्प्ट में आपका डेफिनेटली हो जाएगा। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। एकलव्य वाटिका यूट्यूब चैनल पे ये वीडियो आपको मिल जाएगा। पेपर का लेवल कैसा था नीट का? पेपर का लेवल काफ़ी अच्छा था। अच्छा था, हाँ, जैसे कि लास्ट टाइम से काफ़ी आसान आया था। तो आप कह सकते हो फिजिक्स लेंदी था, केमिस्ट्री लेंदी था कि बायोलॉजी लेंदी था? नहीं, लेंदी तो नहीं था, कुछ भी लेंदी नहीं था। अगर प्रॉपर टाइम दिया जाए तो सबको सब अच्छा था। ओके, तो आउट ऑफ 720 कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो आप? 660 एक्सपेक्ट कर रही हूँ। तो कौन सा अटेम्प्ट है आपका, फर्स्ट सेकंड या थर्ड? थर्ड है। थर्ड है, चलिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। पेपर का लेवल कैसा था? हार्ड था, मॉडरेट था कि ईजी था? मॉडरेट था। तो ये पेपर का लेवल कैसा था, हार्ड था, मीडियम था कि बहुत ईजी था? बायो ठीक था, फिर केमिस्ट्री भी ठीक था, लेकिन फिजिक्स थोड़ा लेंदी था। फिजिक्स लेंदी था। तो ये कौन सा अटेम्प्ट है आपका, फर्स्ट है, सेकंड है, कौन सा है? फर्स्ट अटेम्प्ट। मेरा थर्ड अटेम्प्ट। थर्ड अटेम्प्ट है। तो आप 720 में कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो? हम लोग ला लेंगे 600+। 600, चलिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। ठीक है, एकलव्य वाटिका यूट्यूब चैनल पे ये वीडियो आपको मिल जाएगा। पेपर का लेवल कैसा था ये पहले बताइए। बहुत ईजी था। ईजी था, तो इसको हम ऐसे अगर करना चाहे तो डिफिकल्ट था, ईजी था कि बहुत हार्ड था? मतलब ईजी था। लेंदी नहीं था ना। फिजिक्स कैसा था, इजी था? मॉडरेट था वो। तो आउट ऑफ 720 कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं? 690। तो कौन सा अटेम्प्ट है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड? थर्ड। थर्ड, चलिए बेस्ट ऑफ लक, इस बार हो जाना चाहिए। थैंक यू। पेपर का लेवल कैसा था ये बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो मतलब बहुत ज़्यादा टफ था कि मतलब मॉडरेट था कि बहुत ईजी था? मॉडरेट था, फिजिक्स इजी था। फिजिक्स इजी, हाँ, फिजिक्स इजी था। तो ये कौन सा अटेम्प्ट है आपका, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड? मेरा फर्स्ट ड्रॉप है। फर्स्ट है, चलिए। कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं 720 में? 400+। चलिए देखिए, चलिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। पहले ये बताइए कि पेपर का लेवल कैसा था नीट का? पेपर का लेवल बहुत अच्छा था, मतलब बायो इजी था और केमिस्ट्री थोड़ा सा टफ था और फिजिक्स ठीक था, मतलब ठीक था। तो मतलब अगर आप कहना चाहो तो ये 720 में कितना मार्क्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हो? एक्सपेक्ट तो हम 720 कर रहे थे, लेकिन उतना तो आएगा नहीं, तो अभी जो है देखिए कितना आता है, इसे 600+ आ जाएगा। 600+ आ जाएगा। तो चलिए, कौन सा अटेम्प्ट है आपका, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड? ये तो थर्ड अटेम्प्ट है। थर्ड अटेम्प्ट, तो क्या लगता है इस बार हो जाएगा? हो जाएगा, इसीलिए इस बार दे रहे हैं। चलिए चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।